अस्सलामुअलैकुम, सब कैसे हैं मेरे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। और क्या हो रहा है, कुछ ना तो नहीं चाहिए, मेरी वीडियोस देखा करें। कुछ ना किया गया तो मेरी वीडियोस देखा करें, उसमें जो एडवर्टीजमेंट आती है वो देखा करें और फुल वीडियो देखा करें ताकि आप कुछ सीखने का भी मौका मिले। आज क्या सिखाने जा रही हूँ, ये एक सरप्राइज़ होता है हमेशा से, लेकिन मैं आज एक आपको गुड न्यूज़ भी देने जा रही हूँ। गुड न्यूज़ ये है कि बच्चों की, जिन बच्चों के पेपर्स से हो चुकी हैं, टेंथ के, नाइन्थ के या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो बच्चियाँ फ्री हैं, उनके लिए मैं एक अपॉर्चुनिटी लेके आई हूँ। वो अपॉर्चुनिटी ये है कि आप आ जाइए मेरे सैलून में और सेल्फ ग्रूमिंग का और 3 मंथ्स का जो कोर्स है वो स्टार्ट करें। वो 50% मैं ऑफ दे रही हूँ। और मेरी, आप अगर देखेंगे तो मैं डिजर्विंग बच्चियों को भी फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाना चाहती हूँ। तो वो सीखना चाहती हैं तो वो मेरे सैलून में ज़रूर विज़िट करें। लेकिन वो बच्चियाँ आएँ जिनको शौक है, और जो ज़बरदस्ती पेरेंट्स भेजते हैं वो बच्चियाँ के वेस्ट ऑफ टाइम होता है, वो सीखती भी कुछ नहीं है, उनका पैसा भी ज़ाया जाता है। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बच्चियाँ वो आएँ जिनको सीखने का शौक है, अदरवाइज़ प्लीज़ बच्चियों को बाय फोर्स लेके आके माएँ जो बहनें, बड़ी बहनें जाके छोड़ देती हैं पार्लर में कि ये इसको सीखेंगी, और वो सीखती कुछ भी नहीं है, वो फिर प्रेशर होता है दिमाग के ऊपर। तो आज मैं आपको स्ट्रेटनर के ज़रिए आपको कर्ल्स करना सिखा रही हूँ। और ये स्ट्रेटनर जो है, ये आप देख सकते हैं, रिमिंटन का स्ट्रेटनर है, जो कि मैंने आपको बताया था कि बहुत पुराना है, तकरीबन 8-9 साल हो गए हैं इसको, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है वो आउट क्लास है। और मैं इसी के ज़रिए आपको बताऊँगी। आज मेरी एक लड़की है, वो मेरी हेल्प करेगी थोड़ी सी, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं पार्टीशन करके नहीं दिखा रही, बस मैं ऐसे दिखा रही हूँ कि हम स्ट्रेट कर सकते हैं, छोटे कर्ल्स भी डाल सकते हैं और बड़े कर्ल्स भी डाल सकते हैं। आप ये देखिए कि इससे पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने बाल मैंने वॉश किए हैं, बाल फ्रेश होने चाहिए, वॉश होने चाहिए। और उसके बाद मैंने ये प्रोटेक्टर जो है, पी प्रोटेक्टर लाजमी यूज़ करना है, जिससे आपके डैमेजिंग कम से कम हो। तो हाथ ना जलाएं तो ज़्यादा बेहतर, ग्लव्स पहनना चाहिए। ये एकदम में नहीं आता, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, अपना हाथ ना जलाया करें। और उसके बाद जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये काम नहीं आएगा। देखिए कितना अच्छा कर्ल्स डल गया इससे, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग भी है। और अगर आप इसको खोलेंगे तो ये ब्लो ड्राई का लुक भी आएगा और ये बहुत अच्छा है। जैसा भी एक छोटा कर्ल्स डाल के दिखा देंगे आपको, इसमें आप छोटा भी कर सकते हैं। स्ट्रेटनर अगर आप खड़ा करके करेंगे ना लाइक दिस, तो इस तरीके से तो ब्लो ड्राई भी आएगा। ये भी अभी मेरी बच्ची करके दिखाएगी आपको। आप ये कर्ल्स देखिए, थोड़े से गले में आप खुल गए हैं। इस तरह का हेयर स्टाइल या कल सीखना हो तो विजिट माय सैलून। इतना प्यारा बना है, आपको मैं करीब से दिखाती हूँ किस कदर प्यारा बना है ये माशाल्लाह से। का कॉटन का ग्लव्स मिलता है, इस स्ट्रेटनर के साथ मिल जाता है, ये भी आप पहन सकते हैं ताकि आपके हाथ जो है ना चले ना। बहुत ज़्यादा टाइटली नहीं खींचना कि आपके हेयर जो है डैमेज हो जाए। बहुत ज़्यादा देर तक स्ट्रेटनर को एक जगह पे नहीं रखना, उससे भी बाल जो होते हैं वो ख़राब होने का खदशा होता है। इस बात का बी वेरी केयरफुल। और मैं हमेशा कहूँगी कि आपके बाल फ्रेश होने चाहिए, वॉश फ्रेश होना चाहिए, और इसके अलावा ही प्रोटेक्टर आप लाजमी यूज़ करें। और अगर लॉन्ग लास्टिंग रखना है तो फिर आप स्प्रे भी कर सकते हैं, डिफरेंट किस्म के स्प्रे आ चुके हैं जो पहले मैं अपने ट्यूटोरियल में आपको दिखा चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं उसको। इसको आप खोल लेंगे तो ये कैजुअल लुक आ जाएगा। आप कहीं जाना चाहते हैं पार्टी में, इस तरीके से आप इसको खोलिए और चले जाए। आप एक और डाल के दिखाएंगे इसको। चलिए मैं लास्ट में आपको फुल हेयर स्टाइल दिखाती हूँ। जी ये देखिए, ये मेरा फाइनल लुक है।
और इसमें मैंने डिफरेंट किस्म के कर्ल्स भी लड़की ने डाले हैं और अच्छे लग रहे हैं। आपको अगर ये अच्छा लग रहा है तो विजिट माई सैलून अगेन, मैं कहूँगी आप सीखने के लिए आ सकती हैं। दूसरी बात ये कि मैं ये हमेशा कहती हूँ कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और मैं दोबारा बता दूँ कि ये मेरा स्टेटमेंट जो है रेमिंगटन का है, आप देख सकते हैं इस पर बल्कि लिखा हुआ भी है, अगर आप गौर से देखें तो इस पर लिखा हुआ है रेमिंगटन, और ये काफ़ी पुराना है लेकिन इसका वर्क जो है ना बहुत अच्छा है, और इसका जो टेम्परेचर है वो 230 है, लेकिन बालों के लिहाज से टेम्परेचर रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा। जैसे मेरे बाल हैं वीक हैं और थोड़े से थिन बाल हैं, तो उनके लिए 180 टेम्परेचर सही रहता है। जिनके बाल मोटा होता है वो 230 तक जा सकते हैं प्रोफेशनली, और इसके ज़रिए आपका बहुत से कल्स मजीद में सिखाऊंगी इंशाल्लाह। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन को हिट करना मत भूला करें, और दुआओं में मुझे याद रखा करें। अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, अगर क्यों लगने भी चाहिए, मैं टाइम निकाल के आती हूँ, तो शेयर करना तो बनता है और कमेंट्स